नमस्कार अदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बनी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नई चीजें, वो ये है, वो भी विशेषकर ये कर्क राशि वालों के लिए है कि कर्क राशि के लोग इस राशि के लोगों से अपना रिश्ता खत्म कर दें या उनसे दूरी बना लें, नहीं तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, आपका काम काज सब तबाह हो सकता है। मित्रों, इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे हैं, आपके लिए कौन सा व्यवसाय अच्छा रहेगा, आपके लिए कौन सा ऐसा काम अच्छा रहेगा, आपको किस फील्ड में अपना करियर आजमाना चाहिए, आपका भाग्योदय कौन से वर्ष में होगा, आपके लिए कौन सा वर्ष अच्छा रहेगा, आपके लिए कौन सा वर्ष खराब रहेगा और आपकी मृत्यु किस बीमारी से होगी, आपकी टोटल जिंदगी कितने वर्ष की है, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन सी बीमारी संपूर्ण जीवन में परेशान कर सकती है। तो आइए मित्रों शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कर्क राशि के बारे में इन सभी चीजों की अद्भुत जानकारी, अद्भुत व्याख्या। मित्रों, कर्क राशि के लोग पहले कौन से अक्षर के होते हैं आपको जान लेना चाहिए, जैसे कि हे, हो, ड, डी, डू, डे और डा। इनमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो कर्क हुई। मित्रों, आप जो कर्क राशि के लोग होते हैं वो देखने में काफी गोरे होते हैं, हमेशा स्मार्ट लगते हैं। आप जब वृद्ध भी हो जाएंगे तब आप वृद्ध आप दिखाई नहीं देंगे, आप जवान भी लगेंगे। उस समय में भी आपको देखकर कोई आपके उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाएगा। मित्रों, आपका शरीर जो होता है वो काफी गठीला होता है, काफी अच्छा होता है, आपके केस काले अथवा घुंघराले भी हो सकते हैं, आपके बगल के नीचे पैर के ऊपर या पेट पर में एक काला तिल भी हो सकता है, जो अगर आप गौर से देखेंगे तो शायद आपको पता चल जाए या आपको पहले से भी पता होगा। मित्रों, आपके लिए कौन कौन सा ऐसा व्यवसाय है अथवा किस क्षेत्र में आप अपना करियर आजमा सकते हो, मैं आपको वो भी बता देता हूं। आप मोती, मूंगा, सिंघारा, मछली, जहाज से संबंधित काम, जल के माध्यम से आयात निर्यात का व्यवसाय, खेती, दूध, घी, दही का व्यवसाय आप कर सकते हैं। इन सब व्यवसाय में आपको अच्छा लाभ, अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। इसके अलावा आप उच्च शिक्षा अगर आप प्राप्त करते हैं तो आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप एक अच्छे लेखक भी हो सकते हैं, आप एक अच्छे टीचर भी हो सकते हैं, आप फिल्म निर्माणकर्ता यानी कि डायरेक्टर भी हो सकते हैं, आप एक वैद्य भी हो सकते हैं, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में एक कर्मचारी हो सकते हैं, आप कंपाउंडर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं या कपड़े के बड़े व्यापारी भी आप बन सकते हैं। मित्रों, अब बात आती है कि आपके बारे में एक मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूं, आपके जो परिजन होंगे, आपके जो दोस्त होंगे, मित्र होंगे, बंधु होंगे, आपके जो रिलेटिव होंगे वो कभी भी आपकी तारीफ नहीं करेंगे, वो हमेशा आपकी बुराई ही करेंगे, इसलिए उनकी बातों का आप पर में असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक अगर गौर किया होगा तो किया होगा, नहीं तो आप आगे गौर करना कि आपके जो मित्र बंधु सखा रिलेटिव होंगे वो आपकी तारीफ नहीं करेंगे, हमेशा बुराई ही करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप में बड़ी बात यह है कि आपकी मुलाकात हमेशा बड़ी बड़ी हस्तियों से ही होगी, आप हमेशा बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना लगा रहेगा। मित्रों, आपको अपने पूर्वजों का संपत्ति हाथ लग सकता है, संपत्ति मिलेगा, पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, लेकिन आप उसका दुरुपयोग कर देंगे, आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। आप एक परिश्रमी व्यक्ति हैं और आप व्यवसाय भी बढ़िया करेंगे, आप संगीत, कला, चित्रपट इन सब का आप लाभ ले सकते हैं, आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट हो सकता है। आपको जीवशाला, वनस्पति शास्त्र, जल दाई विभाग, सिंचाई विभाग, चावल, कपास अथवा सफेद वस्तुओं का व्यवसाय करके भी आप अपना भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। मित्रों, आपके लिए जो शुभ दिन है वो सोमवार का दिन आपके लिए अच्छा है, शुभ है, और आपके लिए मंगलवार और बुधवार का दिन जो है जो खराब है, अच्छा नहीं है। आपके लिए जो शुभ दिशा है वो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में आप जब भी निकलेंगे, जब भी कोई काम करेंगे, आपको उस दिशा में लाभ ही प्राप्त होगा। हरा रंग और सफेद रंग आपके लिए शुभ है। हो सकता है तो आपके कलेजे में, पेट में अथवा पांव में, गले में दर्द रह सकता है, समय समय पर में ये दर्द आपको होता रहेगा, आप अनुभव करेंगे। आपकी जो मृत्यु होगी वो पेट के रोग से होगी, उदर रोग से होगी, चाहे वो कारण कुछ भी बने लेकिन मृत्यु का कारण आपका उदर रोग ही होगा। आपको कामला, पांडु रोग, जलोदर,
खून की खराबी, एड्स जैसे रोग भी हो सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि आपके लिए किस वर्ष में कौन सा बीमारी हो सकता है और कौन सा वर्ष आपके लिए खराब है और कौन सा वर्ष आपके लिए अच्छा है। मित्रों, आपके लिए जो पांचवा वर्ष है, अगर आपकी उम्र बीत गई होगी तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर आपका घर में कोई बच्चा है जो कर्क राशि का है तो उसके लिए पांचवा वर्ष जो है सो खराब है, क्योंकि पांचवें वर्ष में उसको पानी से खतरा है, हो सकता है तो जल से संबंधित उसको किसी बात की परेशानी हो सकती है, चाहे वो नदी नाला पोखर वो डूब सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा पांचवें वर्ष में। सातवें वर्ष में आपको अथवा कर्क राशि के लोगों को ज्वर हो सकता है, बुखार से संबंधित परेशानी हो सकती है, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, बड़ा बुखार आपको लग सकता है, या अगर आपके कोई बच्चे हैं कर्क राशि के तो उनको लग सकता है। मित्रों, आपके लिए दसवां वर्ष, चौदहवां वर्ष, सोलहवां, उन्नीसवां, तेईसवां, अट्ठाईस, तीस, बत्तीस, सैंतीस, इकतालीस, पचास, पचपन, उनसठ और चौसठवां वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके जीवन का खराब वर्ष है, और इस समय आप या तो किसी न किसी बीमारी से अथवा किसी न किसी अन्य कष्ट से परेशान रह सकते हैं, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। मित्रों, आपकी जो टोटल जिंदगी है वो लगभग 78 साल की है, 78, यानी कि ये भी एक आपकी जिंदगी बहुत लंबी है। मित्रों, आपकी जो पत्नी हो सकती है वो किस किस राशि की हो सकती है, मैं आपको बता देता हूँ, वो आपकी पत्नी कर्क राशि की, सिंह राशि की, कन्या राशि की अथवा वृश्चिक राशि की होती है, तो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, आप अपने जिंदगी का एंजॉय कर पाएंगे। मित्रों, आपकी एक संतान ऐसी होगी या होंगे जो बहुत ज़्यादा प्रगतिशील होंगे, बहुत ज़्यादा विख्यात, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे वो। आप अपने भाग्य वृद्धि के लिए मोती सवा चार रत्ती चांदी में पुष्य नक्षत्र में धारण कर सकते हैं और माता दुर्गा की उपासना कर सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। मित्रों, भाग्य वृद्धि हेतु आप सफेद कपड़ा शुक्रवार के दिन अवश्य पहने, आप प्रयास करें कि फ्राइडे को व्हाइट कलर का कपड़ा ही पहना जाए, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप पहन सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, तो आपको पहनना चाहिए प्रत्येक शुक्रवार को। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए भाग्योदय का कौन कौन सा वर्ष है। भाग्य वृद्धि हेतु जैसे कि आपका 11वां वर्ष, 13वां वर्ष, 20वां वर्ष, 29वां वर्ष, 31वां वर्ष, 38वां वर्ष, 47वां वर्ष, 49वां वर्ष, 56वां वर्ष, 65वां वर्ष और 67वां वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वर्ष में आप कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूर अचीव करोगे, ये तो तय है, और कुछ बड़ा ही अचीव करोगे, क्योंकि आप जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करने का ही उम्मीद रखते हो, बड़ा करने की ही सोचते हो। मित्रों, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कर्क राशि की महिलाएं कैसी होती है, इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कर्क राशि वाले को कौन से राशि से संबंध नहीं रखना चाहिए जो राशि आपको बर्बाद कर सकता है। कर्क राशि की जो महिलाएं होती हैं उनका मुख सुंदर होता है, सुंदर आंखें भी होती है, तेजस्वी होती है, वो हमेशा मीठी बोलने वाली, मधुर बोलने वाली होती है, मधुर वाणी का प्रयोग करती हैं और गोरी होती हैं, गौर वर्ण की होती हैं। ये अपने समाज में हमेशा पूज्य होती हैं, किंतु गर्वीली होती हैं, थोड़ा सा घमंडी भी आप इनको कह सकते हो सकता है, सभी नहीं होती हो लेकिन ऐसा हो सकता है। जिद्दी होती हैं ये और क्रोधी भी होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली, देव ब्राह्मणों और वृद्धों का सम्मान करने वाली, हमेशा उनका सेवा करने वाली ये होती हैं। मित्रों, इन्हें हृदय, नेत्र और हड्डी से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। ये सुंदर भोजन, कला, आभूषण, वस्त्र अथवा सिनेमा की शौकीन होती हैं, ये कुशल गृहिणी भी हो सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए वो कौन सी राशि है जो आपके लिए दुश्मन है, जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। मित्रों, कर्क राशि वाले को चाहिए कि वो मिथुन और कन्या राशि से हमेशा किनारा करके रखें, हमेशा दूरी बना करके रखें। नहीं, अगर आप मिथुन अथवा कन्या राशि के साथ कोई भी संबंध रखते हैं अथवा विशेष करके आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कन्या राशि से आप विवाह कर सकते हो, लेकिन आप प्रयास करें कन्या राशि को छांट करके ही चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मजबूरी होगी तभी आप कन्या राशि से विवाह करें। आपको मिथुन और कन्या राशि के लोगों से किनारा करके रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए अच्छे नहीं है। आप अगर गौर करोगे तो आप देखोगे कि मिथुन और कन्या राशि वाले लोगों से आपकी कभी भी नहीं बनेगी या नहीं बनती होगी, वो हमेशा आपका विरोध ही करेंगे, आपको हमेशा परेशान करने का ही प्रयास करेंगे। अगर आप उनके साथ संयोग से कोई बिजनेस अगर कर लेते हो, कोई काम कर लेते हो, तो उसका बर्बादी तय है, वो सक्सेस कभी नहीं होगा। और आप अपने जीवन में सफलता के लिए, पुरुष हो या महिला, एक मंत्र मैं आपको बता देता हूँ
ओम चंद्र मसे नमः, ओम चंद्र मसे नमः अथवा ओम, चलो ओम चंद्र मसे नमः इस मंत्र का ही आप, छोटा मंत्र है, बड़ा मंत्र शायद आप ना कर पाओ, तो इस मंत्र का ही आप दैनिक एक माला जाप करें और आप प्रयास करें कि 11,000 बार जाप अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका भाग्योदय होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो मित्रों यही थी कर्क राशि वालों की, किस राशि के साथ संबंध रखना है, किस राशि के साथ संबंध नहीं रखना है, किस राशि से आप शादी कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, किस फील्ड में आप अच्छा कर सकते हो, कौन सा वर्ष आपके लिए भाग्योदय वाला है, कौन सा वर्ष आपके लिए खराब है, कितने दिन की आपकी ज़िंदगी होगी और इस राशि की महिलाएं कैसी होती हैं, इन सभी बातों के बारे में बताने का मैंने आपको प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये भी उम्मीद करता हूं कि इसमें से कोई ना कोई अगर छोटी से छोटी बात तो जरूर होगी जो आपको पसंद आई होगी। हो सकता है वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हो क्योंकि लाइट नहीं आ रहा है, अंधेरा है, लेकिन फिर भी हमारी बातों को आपने जरूर सुना होगा और आपको अच्छा जरूर लगा होगा। अगर आपके काम की इसमें से एक भी चीज़ थी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को बिना लाइक किए हुए नहीं जाएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आने वाले समय में आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, जो शायद हो सकता है इससे बेहतरीन वीडियो आपको प्राप्त हो। मित्रों कम से कम कर्क राशि वाले जो आपके रिश्तेदार हैं उनमें से 5 लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके और वो भी जान सके कि कौन सा वर्ष उनके लिए अच्छा है, खराब है, कब क्या करना है। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।